ये पूर्णिया के रानीपत्रा स्थित सर्वोदय आश्रम है, जहां कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंका था। 1934 के प्रलयकारी भूकंप के आपातकाल में भी बापू ने यहीं से मदद भेजने की अपील की थी। तब उनकी एक आवाज पर लाखों लोग आगे आए थे, जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई गई थी। इस क्षेत्र में 1934 के लगभग एक बहुत बड़े भूकंप हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत जानमान की क्षति हुई थी। उसी भूकंप को, जानमान की क्षति को देखने के लिए गांधी जी क्षेत्रीय दौरा पर निकले थे। उसी क्रम में वो यहाँ रानीपत्रा अपने पूर्णिया की धरती पर आए। 95-96 के बाद इस संस्था में काफ़ी गिरावट आने लगी। गिरावट आते 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 संस्था काफ़ी, जो भी वर्तमान की स्थिति जो है, संस्था शून्य पर आके खड़ी हो गई। इस आश्रम से राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह की भी यादें जुड़ी हैं। हालांकि आज वही सर्वोदय आश्रम अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। आज आलम यह है कि मेंटेनेंस की कमी से दीवारें जर्जर और खंडहर में तब्दील हो चुकी है। दस्तावेज, चरखे, टाइपराइटर और दूसरी मशीनें पूरी तरीके से रद्दी हो चुकी हैं। गांधी जी यहाँ रानीपत्रा आए थे। रानीपत्रा सर्वोदय आश्रम उस समय स्थापना नहीं हुआ था। यहाँ बहुत बड़ा एक तो बर का पेड़ था, वहाँ आए थे। लोगों को मालूम हुआ कि गांधी जी आए थे। गांधी आए, हजारों के संख्या में लोग आए, दौड़े। मालूम हुआ गांधी जा रहे हैं, सब दौड़े। गांधी जी वो भूकंप के लिए लोगों से अपील किया। आश्रम से जुड़े लोगों की माने तो 80 के दशक में इस आश्रम का सालाना कारोबार 1.5 करोड़ तक रहा। तब यह आश्रम पूरे सीमांचल कोसी में खादी ग्राम उद्योग का सेंट्रल गोदाम था। रेशम, खादी वस्त्र, चरखा, जूट, कपास, चर्म, तेल, पेराई समेत यहां से 22 छोटे बड़े उद्योग चलते थे। स्थानीय लोगों की मांग है कि ऐसे ऐतिहासिक आश्रम को टूरिस्ट प्लेस में तब्दील कर दिया जाए। इस धरती की खासियत है, इस धरती पर आचार्य विनोबा भावे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, गुलजारी लाल नंदा और सर्वोदय के बड़े बड़े दिग्गज नेता धीरेन्द्र भाई मजुमदार, ध्वजा प्रसाद साहू जैसे महान नेताओं का आगमन इस धरती पर हुआ है। और गांधी जी जिस स्थल पर आए थे, वहीं से सर्वोदय आश्रम रानीपत्रा की शुरुआत हुई और जो आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान में एक महान राष्ट्रीय संस्था के रूप में विकसित हुआ और जाना गया। यह पूरा राष्ट्रीय स्तर पर संस्था था। इसमें जयप्रकाश जी भी आए हुए हैं पत्नी को लेकर के। प्राकृतिक चिकित्सालय में प्रभावती जी का इलाज चल रहा था और विनोबा जी भी 6 मास यहाँ रहे। वह ग्राम दान और भूदान को पूरे लिंक से अपना जोड़ने का काम किए और यहाँ के इलाके के लोग सब सहयोग भी किए। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब सरकार इस ओर ध्यान देती है और देश की महान विभूतियों से जुड़े इस धरोहर को खंडहर में तब्दील होने से रोकती है। पूर्णिया से ईटीवी भारत के लिए आकाश कुमार की रिपोर्ट।